अज का साडा टॉपिक है हाइजन प्रिंसीपल। हाइजन प्रिंसीपल प्लस टू ऑप्टिक्स का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये की है इट हैल्प टू फाइंड द न्यू शेप एंड पोजिशन ऑफ वेवफ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि हाइजन प्रिंसीपल सानू की करता है किसी वेवफ्रंट की पोजिशन से शेप दसदा है किसी भी टाइम के उत्ते। जे आप जंक्शन करिए तो दो जंक्शन है इन दिन। फस्ट जंक्शन की है एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेवफ्रंट एक्ट एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवफ्रंट विच ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। कहिंदा जिहड़ा कोई भी पॉइंट है किसी वेवफ्रंट के उत्ते वो एक्ट करता है एज अ सोर्स किदे लई सेकेंडरी वेवफ्रंट लई। यानी कि जिहड़ा सेकेंडरी वेवफ्रंट है उहदे लई जिहड़ा प्राइमरी वेवफ्रंट के उत्ते सारे पॉइंट ने वो की करते हैं सोर्स लई सोर्स का कम करते हैं। क्योंकि जो आप गल करिए जिवें वेवफ्रंट देखो इस तरीके नाल अपने कोई वेवफ्रंट है मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है जिहड़े उहदे उत्ते पॉइंट होणगे इस तरीके दे वो की करनगे जिहड़ा नवां वेवफ्रंट बनना है आ वेवफ्रंट बनना है ये ये वाले पॉइंट की करेंगे सोर्स का कम करेंगे। आ सेकेंडरी वेवफ्रंट है तो जेडे ये सारे पॉइंट होंगे वो कि तरह एक्ट करेंगे एक सोर्स की तरह एक्ट करेंगे कहदे खातर सेकेंडरी वेवफ्रंट खातर। हुण जिहड़ा सैकेंड डेफिनेशन है अपने कोले सॉरी सैकेंड अजम्पशन है उहदे विच की है आ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलैट। देखो जिहड़ा सरफेस इन्हां सेकेंडरी वेवलैट नूं टच कर रहा है इहदे विच फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव न्यू वेवफ्रंट कॉल्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट। जिहड़ा सरफेस इन्हां वेवफ्रंट नूं फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच टच कर रहा है एक नवा वेवफ्रंट दे दिंदा जिहनूं कि बोलदे आं असीं सेकेंडरी वेवफ्रंट बोलदे हैगे आं। इह अपने कोल दो अजम्पशन हैगीआं ने। हुण असीं कर रहे हैगे आं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी जिहनूं स्नेल्स लॉ भी कह दिंदे आं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करो। हुण साडे कोल की है एक वेवफ्रंट है कोई ए वी वेवफ्रंट आ रहा तां अपने कोल दो मीडियम ने। दो मीडियम किहड़े किहड़े ने एक मान लो वाटर है एक एयर है आपां मन के चलदे हैगे आं। एक दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स म्यू टू है दूसरे दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किन्ना है म्यू वन। पहले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है वी वन दूसरे दिन कितनी है अपने को वी टू क्योंकि दो मीडियम अलग अलग हो गए तो स्पीड या वेलोसिटी भी की होनी है चेंज होनी है। हूँ जो अपने को आ रहा है कि ए वेवफ्रंट आ रहा है इतों तक दोनों कट्ठे आ रहे हैं उस तो बाद जो आ नॉर्मल देते ए पॉइंट के उत्ते आके वेवफ्रंट की करता स्ट्राइक करता है तो यदि की हो जाए रिफ्रैक्शन हो जाती लाइट अंदर चली जाती है पास हो जाती है। हूँ जो ये लाइट ए पॉइंट के उत्तों रिफ्रैक्ट होकर डी पॉइंट तक पहुँचती है उदों नूं इह की करदी है जिहड़ी बी लाइट है कितने पहुँच जाती है बी पॉइंट तो कितने पहुँच जाती है सी तक। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिहड़ा बी तो लैके सी तक डिस्टेंस ट्रैवल करती है उदों जी लाइट है ए तो लैके डी तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंदी है। फिर इस लाइट की भी की हो जाए रिफ्रैक्शन हो जानी है तो जी लाइट है वो की हो जाए टू वर्ड द नॉर्मल क्योंकि लाइट कितों जा रही है रेयर मीडियम तो डेंसर वल जा रही है तो लाइट की होगी टू वर्ड द नॉर्मल मुड़ गई तो अपने को एंगल किन्ना है ए आर है तो दूसरा ए एंगल किन्ना है आई है तो दो मीडियम ने इतने से भी लिख देना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है म्यू वन ज्यादा है कि म्यू टू ना तो लाइट की होनी है टू वर्ड द नॉर्मल मुड़नी है। यह है अपने को डायग्राम जो आप थ्योरी की गल करिए लिखना है अपने तो अपने को है कोई एक्स बाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो जो दो मीडियम ने अपने को एक रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किन्ना म्यू वन दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किन्ना म्यू टू है। जो प्लेन वेवफ्रंट कोई ए बी वेवफ्रंट आके स्ट्राइक करता है एक्स बाई प्लेन के उत्ते आई एंगल बना जिहड़ा अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसीपल है तो वह कहें हरेक पॉइंट किसी वेवफ्रंट के उत्ते एक्ट करता है सेकेंडरी वेवफ्रंट की तरह। ठीक है हुण जे असीं गल करिए जिहड़ी वेलोसिटी है वो चेंज हो जाणी क्योंकि एक मीडियम च वी वन है दूसरे च कितनी है वी टू हैगी है। जे आपां टाइम की गल करिए टाइम कि बराबर है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है लाइट बी तो लैके सी तक ये एक्सट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो बी सी बाय की आ जाना है वी वन आ जाना है तो जिहड़ा दूसरे मीडियम के वो डिस्टेंस एक्सट्रा कितना ट्रैवल कर रही है ए तो लैके डी तक का तो उसके लिए टाइम कितना लगना है अपने को ए डी बाय बी टू तो इतों की निकल के आया जिहड़ा टी है वो कि बराबर आ गया ए डी बाय बी टू तो टी कि बराबर आ गया बी सी बाय बी वन क्योंकि पहले मीडियम वेलोसिटी कितनी वी वन दूसरे मीडियम कितनी वेलोसिटी बी टू। जे टाइम दोनों इक्वल लग रहा है तो असं दोनों इक्वल रख सकते हैं तो साढ़े को बन गया बी सी बाय बी वन कि बराबर आ गया ए डी बाय बी टू तो साढ़े को बी सी बाय ए डी कि बराबर आ गया बी वन अपॉन बी टू तो बी वन अपॉन बी टू कि बराबर होंगे म्यू के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बोलते हैं तो इतों साढ़े को म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बी सी बाय ए डी इन क्वेश्चन नंबर वन देने इतों बी सी ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करके लें असं। हूँ जो आप गल करिए आप ट्रायंगल लवेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी कि ट्रायंगल की गल कर रहे हैं ए बी सी आ ट्रायंगल की गल कर रहे हैं ये जो साइन आई है वह कि बराबर होंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर किन्ना बी सी हाइपोटेन्यूस किन्ना ए सी तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई अपने को किदे बराबर आ गया अपने को बी सी अपॉन ए सी तो बी सी की वैल्यू आ गई साढ़े को ए सी साइन आई इक्वेशन नंबर किन्ना दे दोनों टू। उस तरीके असं सिमिलरली ट्रायंगल लवेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी कि ट्रायंगल लवेंगे ए डी। हुण जिहड़ी
ए डी सी ट्रायंगल है, आ ट्रायंगल हैगी है, इहदे विच जिहड़ा साइन आर है, साइन आर किहदे बराबर हुंदा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर किन्ना है ए डी, ते हाइपोटेन्यूस किन्ना साडे कोले ए सी, साइन आर किन्ना आ गया ए डी अपॉन ए सी, तां ए डी दी वैल्यू आ गई ए सी साइन आर इन इक्वेशन नंबर 3। देखो हुण पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 ते 3 नूं इन वन, इन दोनों वैल्यू में असं 2 ते 3 नंबर इक्वेशन के पुट करा असं आ वन नंबर इक्वेशन के पुट कर देंगे, तो म्यू कि बराबर आएगा उपर बी सी की वैल्यू पुट करा, नीचे कि पुट करा ए डी की वैल्यू पुट करा, तो म्यू साढ़े को आ गया बी सी की वैल्यू कि है ए सी साइन आई, तो ए डी की कि है ए सी साइन आर, ए सी ना ए सी कट गया, तो इतों साढ़े को जरा म्यू है कि बराबर आ गया साइन आई अपोन साइन आर। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਨੈਲਜ਼ ਲਾਅ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਨੈਲਜ਼ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਨੈਲਜ਼ ਲਾਅ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ, ਅਤੇ ਲਾਅ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਲਗਭਗ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ।